नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज मैं एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो स्थिति परिस्थिति होती है और मना स्थिति होती है, इनके बीच में अक्सर द्वंद्व चलता रहता है। और जो स्थिति को मना स्थित, इन दोनों में सामंजस्य बनाकर अपने आप को आगे ले जाता है, वो सफल होता है। अक्सर लोग जो है स्थिति और मना स्थिति के बीच में टूट जाते हैं। और फिर वो देखिए, एक चीज़ इस संसार में कोई भी अपने आप को दोष नहीं देता है, ये मानव स्वभाव है। चाहे एक आदमी 10 मर्डर कर दे, लेकिन उससे पूछेंगे तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो किसी वजह से वो उस कार्य को करता है। ठीक उसी तरह सफलता और असफलता भी इन्हीं मना स्थितियों पे। तो आज मैं चर्चा करूँगा, जब भी कोई नौकरी का फॉर्म पड़ता है या डाला जाता है तो उसमें अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड होता है सरकार द्वारा गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन अभ्यर्थियों की जो एक्चुअल स्थिति होती है, किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पास क्या क्या समस्याएं होती हैं, या एक अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी से डिफरेंस कैसा होता है, तो इस पे मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर देखिए, मैंने बना रखा है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी का फॉर्म निकला, सपोज दैट TGT PGT या अभी प्राइमरी की वैकेंसी या IAS PCS किसी भी तरह की वैकेंसी हो, तो उसमें मेरे हिसाब से 4 तरह के कैंडिडेट होते हैं। पहले तो इन्हें 2 भागों में मैंने बांटा है, कुंवारे जिनकी शादी नहीं हुई रहती हैं और शादीशुदा। ये जो है पहले 2 भागों में बांटा गया कि जिनकी शादीशुदा नहीं हुई है और जिनकी शादी हुई है। अब इन दोनों के पास अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं को लड़ते हुए आगे जाना। फिर आइए शादीशुदा पे चलते हैं। शादीशुदा में भी 2 तरह के होते हैं। एक, इसमें मैंने ये मान लिया है कि 50% कुंवारे एग्ज़ाम में भाग लेते हैं और 25% जो है शादीशुदा। तो ये जो शादीशुदा कुंवारे, फिर हमने क्या किया, 25% इसमें गरीब और 25% संपन्न। शादीशुदा में भी 25% गरीब और 25% संपन्न लोग होते हैं। तो अब यहाँ पर ये समस्याएं क्या क्या आती हैं, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा समस्या किसके पास है। देखिए, जो शादीशुदा होते हैं इनकी ज़रूरतें दुगना होती हैं। तो जो शादीशुदा गरीब होता है इसके पास, और दूसरी बात हम ये जान लेते हैं कि अमीर और संपन्न, इसमें मैंने गरीब और संपन्न की बात की है। गरीब वो व्यक्ति होता है जिसके पास फार्म डालने के भी पैसे नहीं हैं, जिसके पास 2-व्हीलर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए खेत भी नहीं है, यानी कि खेत में भी इतने खेत नहीं है कि पूरे साल का अनाज हो जाता है, यानी कि खाने के भी नहीं है, फार्म डालने के भी पैसे नहीं है, उधार लेके तो BEd किया है। तो इन कैटेगरी में मैंने गरीब को डाला है और बाकी सब संपन्न में आते हैं। तो इन गरीबों के पास क्या समस्या होती है, ये कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाते रहते हैं, कोई छोटा मोटा रोजगार करते रहते हैं, तो उनसे जो अर्निंग जनरेट होती है उसके साथ कंपटीशन। तो ऐसे बच्चे अपने आप को किस कंडीशन में सरवाइव करें, वो कौन सी मना स्थिति है जिसके वजह से ऐसे लोग, देखिए भाई, जिनके यहाँ कोई सरकारी है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, वो संपन्न में आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन किए पैसा खाते में आ गया, इनकी कंडीशन अलग होती। हम उस स्थिति की चर्चा करेंगे जिसके पास, मैंने कहा गरीब की क्राइटेरिया क्या है, जिसके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास आज भी 2-व्हीलर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए साल भर पर्याप्त खाना नहीं है। ये गरीब का क्राइटेरिया 5 बिंदु है। ये सारी चीज़ें मेरी द्वारा जनरेट है, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ और मैं इन परिस्थितियों को चीरते हुए आगे गया हूँ, और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं से परिस्थितियों को चीरा हूँ। इसलिए मैं
से निकलने का इलाज बताऊंगा। जिसे मान लीजिए, देखिए भाई, संपन्न लोगों के लिए, ये जो संपन्न लोग होते हैं ये आर्थिक और वैचारिक दोनों तरीके से संपन्न होते हैं। ये जो संपन्न लोग होते हैं इनके यहाँ जो सक्सेस लोग होते हैं डायरेक्शन देने के लिए, ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो उन गरीब बच्चों के लिए जो गरीब शादीशुदा हैं, जिस कंडीशन में मैं शुरू में था, लेकिन आज मैं संपन्न वाली कंडीशन में पहुंच गया हूँ। जो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो संपन्न रहेंगी। तो इन गरीबों को क्या करना चाहिए कि जो आप घर पे काम है उसको 24 घंटे में मैनेज करिए कि हमें क्या करना। सपोज दैट आप गांव में रहते हैं, तो गांव में आपके पास गाय है, गाय का चारा लाना है, काटना, उसको देना है, दूध भी बेचना है, थोड़ा सा उससे अर्निंग भी होगी। तो इन स्थितियों में अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां देखना है। बड़ा मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, जब बात करता हूं ना तो बड़ा दर्द होता है यार कि ये व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन अब इसको सही उचित ज्ञान। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन परिस्थितियों को, इसके लिए कुछ मोटिवेशनल मैटर आपको रखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं कि माइंड की ये ताकत है कि जो इसमें डाल दिया जाता है वो मिलता है। जो गरीब बच्चे होते हैं, शादीशुदा गरीब, देखिए कुंवारे बच्चे जो होते हैं गरीब होते हैं, देखिए ये जो कुंवारे बच्चे होते हैं इनकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, इनको बात भी करना पड़ता है रात की। अभी चाहे हार्मोनल प्रॉब्लम करिए चाहे कंडीशनल प्रॉब्लम करिए, सबके साथ होता है। तो इनको इधर भी दिमाग लगाना है, ये पूरी तरह से पढ़ाई पे कंसंट्रेट ही नहीं हो पाते, क्योंकि भाई सफलता का परसेंट वही 5% है। तो ये 95% लोग क्या कर रहे हैं, अपने टाइम जो 24 घंटे का टाइम है इसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा, और जो परिस्थिति आपके घर की उसे भूलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता जिसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या तो आपको अपने मन में ऐसे विचार लाना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, आपको सुई लगाना है। तो इस तरह से ये इसके लिए जो है एक किताब जो है मेरे पास, एक किताब है, ये है रहस्य। इसकी 4 सेक्टर हैं, ये 1230 रुपए की 4 किताबें आती हैं, ये देखिए। तो इसका YouTube पर वीडियो भी उपलब्ध है, वही आप लोग देखें ज़्यादा सही है, और किताब ले सके तो किताब। तो उस इसमें ये बताया गया कि जो चीज़ आप सोचते हैं वही आपके साथ घटित होता। वास्तव में नौकरी उन्हीं को मिलती है जो नौकरी को मिला हुआ मान लेते हैं, और इन गरीबों में से सफल वही गुदरी के लाल निकलते हैं जो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हमें हर हाल में ये नौकरी चाहिए। आपको जो भी परिस्थितियां हैं, इस समस्याएं हर व्यक्ति के साथ हैं। ये जो संपन्न लोग हैं ना, इनके पास भी समस्याएं हैं, लेकिन इन गरीबों के पास क्या होता, पैसे के साथ साथ इनके पास वैचारिक सपोर्ट भी नहीं होता। देखिए दो, एक मानसिक ताकत जिसको कहते हैं, आर्थिक ताकत। देखिए आर्थिक ताकत कहीं ना कहीं से तो हल हो जाती है, लेकिन ये जो मानसिक ताकत होती है, जिसे हम जैसे सूक्ष्म विचारक हैं, इन्हीं तरह के विचार ऐसे आपके आसपास जो है ऐसे विचारक होंगे, उनसे मिलिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। आप 10 लोगों से मिलेंगे तो एक ही मोटिवेट करने वाले मिलेंगे। सफल लोगों का भी यही रेशियो है, 10%। वो अभी मैं एक लोगों से मिला, वो कहने का मतलब मैथ से जो है JRF क्वालिफाई है, तो वो उनसे मैंने कहा सर कोई क्राइटेरिया बताइए, तो उन्होंने कहा मेहनत करो। अरे यार मेहनत तो सब बताते हैं, कुछ अच्छी तरह बताओ ना, तो ज़्यादा बात नहीं हुई। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ जो घर पे काम होता है उसे वो सिस्टमेटिक करने की सोचें, और अपने काम को करते हुए, जैसे आप खेती कर रहे हैं, खेती में जो काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपने गेहूँ आप सींच रहे हैं, गेहूँ का मौसम आने वाला है, तो आप खड़े हो जाइए खेत में, आपने ट्यूबवेल चला दिया, अब आपके दिमाग में वही फार्मूला घूमना चाहिए। अब आप गेहूं सींच रहे हैं, सपोज दैट आप बायो के स्टूडेंट, आपने धान देखा ओरिजा सटाइबा है, इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसकी जड़ में जब जैसे धान कट रहा, धान में जब दलदली रही तो उसमें से मेथेन गैस निकलती है। और मान लीजिए आपने टमाटर का पेड़ देखा तो इसका सोलोनम नाम है,
ठीक, बैगन का देखा उसका भी सोलोनम नाम है, पटैटो को देखा उसका भी सोलोनम नाम है। देखिए बालोजी के केस में तीनों का जो है एक ही नाम है, जो उसका मुख्य नाम है वो थोड़ा थोड़ा अलग है क्योंकि तीनों के फूल एक होते हैं। तो आप जब देखिए मेरी सक्सेस का राज यही है कि मैं 24 घंटा जैसे खेत में हूँ, मिट्टी है इसमें SiO2 है, मैं सींच रहा हूँ ये पानी जा रहा है H2O है, मैं सांस ले रहा हूँ O2 है, सांस निकाल रहे हैं CO2। अब CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता, कितने बंड होते हैं, कौन सा बंद मजबूत होता, कौन सा इसमें MOT थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी कि मुझे किताब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं खेत में ही रहता हूँ तो सोचता रहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गरीब में आते हैं तो आपको किताब के अलावा जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र हो 24 घंटा अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में डालना है। हाँ, इससे एक बीमारी आएगी, भुलक्कड़पन की आपकी आदत पड़ जाएगी, जैसे मुझे, मैं कामन चीज़ें भूल जाता हूँ। आप अगर कामन चीज़ें भूलना सीख गए तो आपको हाईएस्ट चीज़ें तभी, जब कामन चीज़ों को छोड़ेंगे तभी आपको अपर चीज़ें मिलेंगी, वरना नहीं मिलने वाली हैं। देखिए भाई, संपन्न लोगों के लिए कोई मेरे पास सूचना नहीं, क्योंकि इनके घर में जो संपन्न जिसने बनाया वो वैचारिक सूत्र दे सकता है, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए मेरे पास ये, जैसे अगर फ़ोन से बतियाने से छुट्टी हो तो भाई, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी, ये नहीं करेगा तो प्रकृति का विकास भी तो करना है भाई, ठीक है। तो एक मेरा जो ये बताने का उद्देश्य था, यदि आपके पास टाइम नहीं है, अब जैसे मैंने ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कई दिन मेरे दिमाग में चलता रहता, फिर पन्ने पे लिखा जाता, फिर हफ्तों बाद ये आपको मैं बता पा रहा हूँ, इस कैटेगरी को बांटा जाए। जैसे ये आप इसमें ये फार्मूला सभी पर लागू होता है कि जैसे कुछ भी करते रहिए, जैसे मान लीजिए अब अभी आपने किसी चीज़ का पात देखा, जैसे आप गेंदे का फूल देखे, उसमें केमिस्ट्री और बायो तो सोच सकते हैं। आप कोई मोटरसाइकिल देख रहे हैं, मोटरसाइकिल में देखिए इसमें कौन सा बल रहा है, फ्यूल जल रहा है, जलने के बाद क्या बन रहा है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है, आप सरौता काट रहे हो कौन सा उत्तोलक लग रहा है, साइकिल चला रहे हो कौन सा बल रहा है, जड़त्व का आघूर्ण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कोई दवाई देख रहे हो, इसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा इसमें तत्व है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस तरह का आप सोचिए, आपको किताब की ज़रूरत नहीं। धीरे 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 क्या होगा कि ये पढ़ाई आपकी आदत में बन जाएगा और आपको पढ़ाई से लगाव हो जाएगा। देखिए डॉक्टर वो लोग बनते हैं या मास्टर वो लोग बनते हैं जो वो सोचते हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं अपने आप को। जैसे डॉक्टर बनना है तो अपने आप को कल्पनाओं में खो दीजिए कि मुझे यही चीज़ बनना है, यही चीज़ करना है। अब चाहे जो आपको कोई मिस्त्री बनना है, आप देखते हैं कोई कोई बाल बहुत बढ़िया काटता है, कोई कोई समोसा बहुत अच्छी बनाता है, समोसे की दुकान बहुत है लेकिन सब अच्छा नहीं बनाते, जो अपने कार्य से लगाव रखता है वही अच्छा प्रोडक्ट दे पाता है। और आपको काम को अच्छी तरह करना पड़ेगा, अगर काम को आप अच्छी तरह नहीं करेंगे तो आपसे अच्छा काम करने वाले इस धरती पर हैं, सीट को वो ले जाएंगे और आप मेहनत करके भी असफल हो जाएंगे। तो आपको अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर 100% लगाना पड़ेगा, यही मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप जो है अपने लक्ष्य को 24 घंटा सोचिए। खाना बनाते समय आप खाना बना रहे, कौन सी गैस से इसमें निकल रही, LPG निकल रही, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जब जलेगा तो इसमें कौन सी गैस निकलती, जो गैस निकलती उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, जब कौन कौन से तत्व होते हैं तो उस तत्वों में कौन सा परमाणु क्रमांक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसमें बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बॉन्ड होता है, उसमें एनर्जी कितनी होती है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, आप सारा चीज़ आपके घर में है, आपके रूम में है, केवल आप कंसंट्रेट होइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अब केमिस्ट्री की कुछ स्पेशल क्लासें भविष्य में चलेंगी, इंतज़ार करिए।